अभी अभी केंद्र सरकार ने पूरे देश के सामने ऐलान किया है कि आज रात 12 बजे से 21 दिनों तक पूरा भारत बंद रहेगा। क्या डेंजर बीमारी है ये? आदमी आदमी को छू नहीं सकता और बिना छुए अपना धंधा चले नहीं। कोरोना के वजह से सोसाइटी वालों ने मेट्स आने जाने पे रोक लगाया है। दिन में वही, अब लॉकडाउन में क्या दिनों रात। पैदल गांव निकल चलते हैं। ट्रेन से जाओ तो भी 2 दिन लगता है, तुम पैदल जाने का बात कर रहे हो। मधुर भंडारकर जी, आपने इंडिया लॉकडाउन बनाया और अभी आगे भी कुछ और फिल्म में आपने बनाए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे आप? देखिए, इंडिया लॉकडाउन जो है वो दर्शाता है कि इंडिया लॉकडाउन के दौरान में 20-22 दिनों में जो इनिशियली लॉकडाउन लगा था उसमें क्या हुआ है। 4 पैरेलल स्टोरी है, चलती है। अच्छा। और अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, 2 जो है मिडिल क्लास फैमिली से और 2 जो है लोअर स्ट्रेटा के हैं। क्या होता है उनकी लाइफ में, ह्यूमन सर्वाइवल की कहानी है और जिस तरह से लोगों ने पिक्चर देखी है गोवा में, दिल्ली में इतनी पसंद की गई है। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड अमित अग्रवाल जी ने बोला कि आप भी यहाँ पर शो रखो और मैं यहाँ पे आया और मुझे इस बात की खुशी है। अमित भाई कैप द शो एंड वी कॉल्ड ऑल ऑफ फ्रेंड्स, हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं यहाँ की बंगला सिनेमा की भी बहुत टैलेंटेड है, वो भी बुलाया हमने। और मैं चाह रहा था कि जितने हो सके लोगों को हर कोई कनेक्ट कर पाएगा इस सब्जेक्ट से, इस स्टोरी से। तो आपने ये जो पिक्चर बनाए तो एक्चुअली पैंडेमिक तो दो साल का ये था, तो इसको आपने ये 2 साल की कहानी नहीं है, मैंने अच्छा। बार बार कह रहा हूँ ये सिर्फ स्टार्टिंग में 20-22 दिन की कहानी। अच्छा। ये फर्स्ट लॉकडाउन की कहानी बताता है। अच्छा। वैसे बनाने जाओ तो उसके लिए 5 पिक्चर भी कम, वो तो मैं सोच रहा हूँ इतना नहीं बनाया हमने, स्टार्टिंग का बनाया। और ये पिक्चर मैंने 6-8 महीने पहले ही रेडी थी हमारी। अच्छा। मैं दुबली बाउंसर में बिजी था। अच्छा। उसके प्रमोशन में बिजी था, शूटिंग में बिजी था जी। और जब मुझे लगा कि समय आ चुका है इसको रिलीज करने का, तो हमने अच्छा। प्लान किया और रिलीज करे 2 तारीख को दी पाई जी। तो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू नो, जो ये बनने में कितने वक्त लगी इस पिक्चर की? ये बनने में सिर्फ 25 दिन लगे, 25 दिन, 3 महीना लगा हमको। 25 days की शॉट इन स्पैन ऑफ 3 months। अच्छा। और ये शूटिंग कहाँ की है आप लोग? मुंबई में और पुणे के आसपास। बॉम्बे और पुणे के आसपास है। आप जो आगे जो तीन फिल्म आपने बनाया है या 3-4 ये सब आगे, अर्लियर यू हैव मेड 3-4 मूवी। 15वीं फिल्म है। सॉरी, दैट इज। अच्छा। तो ये कंपेयर टू दैट इंडिया लॉकडाउन अच्छा। थैंक यू। একটা খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলে এসেছি, পার হয়ে এসেছি এবং তারপর আস্তে আস্তে সব নর্মাল অনেক কিছু শিখেছি আমরা, অনেক শিক্ষা নিয়েছি। সেই জায়গা থেকে সিনেমার ক্ষেত্রে বিশেষ করে বলতে পারি যে একটা সিনেমা দেখার একটা আমার ওই উদ্দেশ্য আমাদের ফিরে পাওয়া দরকার এবং সেটা ফিরে পাচ্ছি আমরা। একে একে ছবি হাউসফুল হচ্ছে, সেটা খুব ভালো কথা। যত ছবি চলবে তত ইন্ডাস্ট্রি ভালো হবে। ফেস করেছে পরিযায়ী স্টুডেন্টরা, তাদের
ছবিটা পুরো দেখেছেন কেমন? The first 2 months of the lockdown. Thank you. কেমন লাগলো আপনার কাছে ছবি যেটা আপনি দেখলেন? ছবিটা দেখলাম যেটা আমার খুব ভালো লাগে, এর জন্য ভালো মানে কি বলবো, একটু শুয়ে চলে হাতটা ঠিক করে লকডাউনের সময় আমরা সবাই সেই ধরনের লাগিয়েছি। আর স্ক্রিনটা এত ইন্টারেস্টিং হয়েতে ধরেছে, যেখানে নতুন নতুন মানে জীবন আমরা জানতাম না, সেই জীবনগুলোকে আপনারা পরিচয় করা। বাট দ্য বেস্ট পার্ট অফ দ্য ফিল্ম ইজ দ্য পারফরমেন্স বাই এভরি অ্যাক্টর, ইট ওয়াজ সো ন্যাচুরাল দ্যাট ইট ওয়াজ মাদার ভান্ডার। এরকমভাবে ছবিটা সবার কাজ বের করেছে। And the best part is another is Subinder and beautiful song. Yeah. And finishing the film with a positive moment. That the period of 2 years of pandemic, in two months, very tactfully it has been brought. And you have liked that story. Yes, kept the positivity in the film. That is something I think important for you. Thank you very much. Come back again to all of us. India lockdown is something.